All right. So, hello and welcome to Roads Untraveled by Ink That Matters. And I'm actually very excited today because Roads Untraveled is back after a hiatus, after some time, and we are back with a bang. Our guest today is very special. She's very inspirational and an inspiration to the entire country. Let's meet Miss Naz Joshi. She is Miss World. Yeah. नमस्ते एंड अबाउट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, एक्चुअली इनका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है ना, तो मैं फिर भी आपको बोल देती हूँ, विच इज द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ इज वेरी इंस्पायरिंग. शी इज मिस वर्ल्ड डिवर्सिटी एंड दैट टू 3 times इन अ रो, नॉट जस्ट 1 or 2 times, शी इज वन इट 3 times इन अ रो फॉर द नेशन. एंड शी इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर कवर मॉडल एंड ऑल्सो शी इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर शो स्टॉपर. And that's not all. A lot many things that we would get to know about Ms. Naz Joshi. And first of all, let's give her a warm welcome, a very warm welcome, Ms. Naz. Yeah, namaste everybody. I'm really happy to meet all of you. Being an Indian, I believe namaskar is the best thing that we can do, address anybody as. Yes. So that's Ms. Naz Joshi for you. And she has her own, she's actually owned it. She's actually owned it in her own right. She has her own Wikipedia page, which you all, I would suggest, go and visit to know more about her. Anyway, we are going to talk about her life journey, her hurdles, and how she's achieved the pedestal where she is right now. So let's know all about that. So upcoming aspiring models, so जो कोई भी है, जो aspiring models है और जो कोई भी कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में, अपने बारे में, तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ लेसन और टू फ्रॉम मिस नाज जोशी एज टू हाउ शी इज ट्रेवल्ड दिस फार. ऑल राइट मिस नाज जोशी, सबसे पहले वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन कि आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, वो भी इंडिया के लिए, जो कि गर्व थैंक की यू बात थैंक है. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर दैट. यू थैंक यू सो मच थैंक यू. ओके, फ्रॉम आप पहले आपके चाइल्डहुड से हम स्टार्ट करें. आप बहुत सी जगह में ये बात कर चुके होंगे, बट आई वुड लाइक टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट. फ्रॉम अयास जोशी टू नास जोशी, हाउ वॉज योर जर्नी? कैसा था जर्नी? आप उसको अगर शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि हाउ दैट जर्नी वॉज, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? See, I believe that journey किसी भी इजी नहीं होती है. इट इज लाइक लाइफ, द अदर नेम ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल, एंड वी ऑल हैव टू स्ट्रगल डेली बेसिस. या फ्यू पीपल आर लकी दैट दे आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. कुछ लोग लकी होते हैं, बट इन माय केस आई वाज नॉट सो लकी. इन वन ऑफ द टेडेक्स स्पीच आई सेड माय सेल्फ एज अ रेनबो बर्ड हु इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स. सो आई वाज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स, एंड माय चाइल्डहुड वाज अलोन. आई डिडंट हैव लव ऑफ माय पेरेंट्स. आई didn't have support of my siblings. I didn't have support of any friend. I didn't have a friend at all. So very early age, I had to move to Mumbai alone to my uncle's place. And at uncle's place, I had to really go to work to do about investment to earn my livelihood. So I was going to school. I was studying in St. Joseph Academy there. And I kind of worked for almost the age of 11 at a dance at a dhaba. So what exactly happened was, at the age of 11, I was gang raped with my cousin, brother, and his friend. So that left a very deep scar on my heart. And when I woke up, I was in a hospital. I had a trans woman by my side. So I said that, my mama ji had disowned me. उन्होंने disown कर दिया मुझे और बोला कि अब आगे जो जर्नी है तुम्हारी अकेली बचेगी. तो मैं थोड़ी सी डरी भी हुई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ मैं आज तक अपना खुद ही कर रही हूँ, पर रहने को छत नहीं थी. तो मैंने उन ट्रांस वुमन को बोला कि भाई आप मुझे कुछ ऐसा काम दिला दीजिए जहाँ मेरे को छत मिल सके. और शी टोल्ड मी कि आप हमारे साथ आ जाओ, वी कैन गिव यू एनीथिंग. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टे इन आवर बड़ा घराना, एंड यू हैव टू कम विद अस टू आस्क फॉर टोली एंड बधाई. सो आई सेड नो, आई डोंट वांट टू बेग एंड ट्रैप एट ऑल, मुझे पढ़ाई करना है. सो शी सेड ओके. शी टुक मी टू अ डांस बार बिकॉज सिंस चाइल्डहुड माय हाइट वाज वेरी वेरी टॉल. तो मैं डांस बार गई 11 to 18, वहाँ पे काम किया. एट द एज ऑफ 18 आई केम टू दिल्ली एंड आई अपीयर्ड फॉर डिप एग्जाम. इनिशियली आई गॉट निफ्ट मुंबई. आई वाज स्टडी इन निफ्ट मुंबई फॉर 3 weeks, एंड बाद में सीट खाली हुई दिल्ली में. मुझे पूछा गया कि आप दिल्ली आना चाहते हो. मैंने हाँ बोल के बिल्कुल दिल्ली में आना चाहती थी बिकॉज दिल्ली इज माई रूट.
So I came to Delhi. I worked with trans. This thing. I worked with a lot of trans people at that time also. For their rights, for their coming out process. Because उस time पे कुछ come out नहीं होता था as a trans or as a lesbian, as a gay, bisexual. So I had to help them, to come out of their zone. So I got a job with Ritu Kumar and Ritu Berry. See, I was very happy working with them because they were my dream designers to work with them. बट द पीपल जो वहाँ पे काम करते थे उनको लगता था कि हमारे इतने दिन बुरे आ गए कि हमें चक्के के साथ काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं किया. और मेरे डिजाइन बनते नहीं थे तो फिर मेरे बॉसेस एंग्री हो जाते थे, दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंग्री, सो आई वाज फायर्ड ऑफ माय जॉब. फिर देन आई डिसाइडेड दैट फाइन आई शुड ट्रांजिशन नाउ. एंड मैंने ट्रांजिशन के बारे में पता किया, आई वेंट टू लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स, आई फाउंड आउट कितना पैसा लगेगा उसमें. तो मैंने जो है सेक्स वर्क स्टार्ट किया करना. And I was a sex worker for nearly 3 years. And in the same time, there was a photographer called Rishi Taneja who was working with me on my biopic. And हमने biopic साथ में की. And he was very surprised that मैंने उसको बहुत ज्यादा मतलब freedom दिया, allow किया. He could come into my personal life and shot such pictures जो भी इनफैक्ट आज भी लोग देखते हैं तो डर जाते हैं देखते कि हाँ एक्चुअली तुम ये सब कर रही थी. तो मैंने इनफैक्ट बहुत सारी पिक्चर खिंचवाई. बट द बेस्ट पार्ट ये हुआ मुझे मॉडलिंग में एंट्री मिल गई. एंड आई डिड टिल नाउ 25 शोज एज शो स्टॉपर. एंड आई इनफैक्ट माई फर्स्ट शो वॉज ओनली फॉर द शो स्टॉपर. देर लाइक गर्ल्स बिहाइंड मी आई वॉज शो स्टॉपर. देर राजस्थान फैशन फेस्टिवल इन ईयर 2013. एंड आई डिड अ लॉट ऑफ कैंपेन्स फॉर लॉट ऑफ ब्रांड्स. आई बिकेम ब्रांड एम्बेसडर फॉर लॉट ऑफ ब्रांड्स. एंड देन इन 2015 वी स्टार्टेड अवर पेजेंट ऑफ आवर ओन कॉल्ड मिसेज इंडिया होम मेकर्स. तो एक्चुअली उसके पीछे राज ये था कि वन ऑफ माय दिस थिंग हाउस होल्ड वर्क शी वांटेड टू बी मिस इंडिया. तो आई टोल्ड हर कि यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो, आप नहीं कर सकते. तो उसने मेरे सामने प्रश्न रखा. शी टोल्ड मी, आस्क मी कि दीदी हमको ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, हम मैरिड लड़कियां हो. मैंने क्यों नहीं कर सकते. तो देन इट गॉट मी एन आइडिया ऑफ बीइंग मिस इंडिया होमी. सो वी स्टार्टेड सेंडिंग अ गर्ल इंटरनेशनली, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड एंड ऑल दिस प्लेसेस. तो उसमें क्या हुआ, एक्चुअली वी सस्टेनिंग टू मिसेस कॉन्टेस्ट, नो मिसेस यूनाइटेड नेशंस, मिसेस रिपब्लिक इंटरनेशनल, जो इनफैक्ट मैंने भी जीते हुए कॉन्टेस्ट. तो 2016 में हमारे पास मिस यूनाइटेड नेशंस से एक लेटर आया, बोला कि हमको एक मिस चाहिए. और हम लोग मिसेस का पेजेंट करते थे तो मिस हमारे पास कुछ थी नहीं. तो गलती से मेरे जो है जो असिस्टेंट ने मेरी फोटोग्राफ भेज दी मिस यूनाइटेड नेशन में और मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गई. एक्चुअली दैट वॉज पेजेंट फॉर नॉर्मल वुमेन. उनको रूल लिखा था कि नेचुरल बॉर्न वुमेन चाहिए उनको. So I told them, we said, "Nahin, we like you and we want to come and represent your country. But do you have a female passport?" I said, "Yes, I have a female passport because I have already changed my sex. So I already changed my papers." So they said, "Fine, for that you qualify into contest." फिर से कॉन्टेस्ट का दौर शुरू हुआ 2016 से. आज 2021 है, मेरे पास 7 इंटरनेशनल क्राउन्स हैं और 1 नेशनल क्राउन है. That was very brief about my intention. That's actually wonderful, wonderful, wonderfully put across. Actually, आपका जो जर्नी है आपने एक्चुअली वंडरफुली यू हैव एक्चुअली पुट अक्रॉस. आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि आप मुझे इतना डिटेल में हम बता देंगे कि जब मैं पूछूंगी कि आपका जर्नी कैसा था. बिकॉज मैं आपकी जर्नी क्लोजली फॉलो कर रही हूँ इतने दिन से. ओनली आफ्टर दैट आई एक्चुअली केम टू यू विद इनवाइट कि आप रोड्स अनट्रेवल्ड शो में आओ और हमसे बात करो. बिकॉज योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग कि जो भी सुनेगा ना डेफिनेटली अगर उसको कुछ भी करना है लाइफ में अपने लाइफ के साथ विदाउट हेल्प ही और शी हैज दस ड्रीम्स इट कैन डेफिनेटली कम ट्रू. एंड यू आर अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दैट. सो दैट इज वाई थैंक आई यू वॉन्टेड थैंक यू ऑन द शो के डेफिनेटली आपको लाना ही है क्योंकि हमारे ऑडियंस को इतना सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा. सो दैट्स द थैंक ओनली यू रीजन. यू वेलकम नाज, यू एक्चुअली डिजर्व इट. ओके तो आई वॉन्टेड टू आस्क यू, आपने बताया आपका जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू वेर यू आर राइट नाउ. आपका बचपन एक्चुअली कैसा था. आपने बोला कि आप अपने मामा जी के पास चले गए थे ओनली व्हेन यू वर एज अ किड. तो हाउ वे योर पेरेंट्स अबाउट इट, वे यू डिड यू नो फ्रॉम बिफोर दैट देयर इज नास जोशी इनसाइड यू, और हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन विद इन यू फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू कुड कम See, आउट I टू द वर्ल्ड. will tell you to mean one thing के कभी मुझे लगा नहीं कि मैं एक लड़का हूँ. लड़की के शरीर में पहले जरूर हुई थी मैं, पर कभी मुझे लगा ही नहीं, एहसास ही नहीं हुआ मैं मुझे लाइफ में
एट द एज चिल द एज ऑफ 19 मुझे एहसास नहीं हुआ था, जब तक मैं निफ्ट नहीं पहुंची थी। निफ्ट में जाकर मुझे एहसास पता चला कि एक ट्रांसजेंडर करके भी टर्म होता है, LGBTQ करके कम्युनिटी भी होती है। तो उस टाइम तक मैं बिल्कुल इग्नोरेंट थी बचपन में, ठीक है। सो बचपन में मुझे टीचर्स बोलते थे ऐसे चलो, यू नो वॉक लाइक अ मेल, यू आर अ मेल गाय। मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे चलूँ। अगर आप लड़की को बोलोगे चलने के लिए, अब वो तो लड़की है ना, अब आप लड़की को लड़के का कपड़ा पहना दोगे तो चेंज नहीं होगी वो। तो मेरे साथ भी यही था कि मैं लड़की थी अंदर से, दिल से, दिमाग से, सोल से, तो मेरे साथ में कुछ चेंज नहीं हो सकता था। दिस टेल मी आप चेंज हो जाओ, आप लड़कों की तरह बात किया करो, आप थोड़ा सिसी मत रहा करो, यू नो मुझे कुछ समझ में आता ही था। नेवर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। एंड एज अ रिजल्ट यू नो मेरे पेरेंट्स को बहुत सुनना पड़ता था। क्या सुनना तो आज भी बहुत पड़ता है, लेकिन उस टाइम तो कुछ ज्यादा सुनना पड़ता था कि आपका बेटा कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ किन्नर टाइप का तो नहीं, यू नो। तो वो सब सुनने नहीं के लिए दे सेंट मी टू मुंबई। और मुंबई में जाकर भी स्ट्रगल बहुत हार्ड थी, बिकॉज मेरे मामा और मामी बहुत गरीब परिवार से थे। दे वर फ्रॉम वेरी लो क्लास दिस थिंग, एंड दे वर मुस्लिम्स। आई माय मॉम इज अ मुस्लिम, सो दे वर मुस्लिम, एंड दे हैड सेवन चिल्ड्रन ऑलरेडी एंड द एट वन एट देयर हाउस। तो बहुत मुश्किल था कि भाई वहाँ पे कोप अप करना है। चौल में रह रहे हैं आप, आपको अपने एक कमरे का सेट है, ऊपर मामा मामा सो रहे हैं, हम लोग लाइन लगा के 8 बजे सो रहे हैं। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। घर का काम भी करना पड़ता था क्योंकि हमारी मामी जाती थी दूसरों के काम, दूसरों के घर में काम करने के लिए। ऑल योर सेवन चिल्ड्रन ऑफ देम वर ऑल्सो वर्किंग ढाबा रेस्टोरेंट एंड ऑल दैट, बट उनमें से कोई एजुकेशन नहीं करता था। बट मैं तो एजुकेशन करती थी, मैं तो स्कूल जाती थी। तो बहुत डिफिकल्ट होता था उस टाइम पे कि अपने लिए पैसा जमा करना और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता था। जैसे हम क्रिकेट में याद है, जब हम छोटे होते थे बॉम्बे में तो नॉर्मली वड़ा पाव इतना सस्ता मिलता था उस टाइम पर, लाइक 1 रुपए का, 2 रुपए का उससे मिलता था। 1 रुपए तो हम खा लेते थे आराम से, लेकिन जो है बाकी कुछ खाने के लिए, जैसे कि हम देखते थे कहीं नूडल्स बन रहे हैं या कहीं यू नो बर्गर बन रहा है, कुछ बन रहा है, वो सब खाने के लिए पैसा ही होता ही नहीं था। बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि जिस ढाबा में काम करती थी मैं, तो वो ढाबा वाला इतना अच्छा होता था कि मुझे वो रातों खाना वहीं खिला देता था। कहता कि नहीं आप बेटा यहीं पे खाना खा के जाओ, बिकॉज घर में पता है खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत चिड़िया के दाने माफिक मिलेगा, तो मैं खाना वहीं खा लेती थी। तो बहुत मुश्किल होती थी बचपन में बहुत ज्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, कोई फ्रेंड थी नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, जिसको बता सकूं। तो अंदर ही अंदर मैंने एक ना कनेक्शन डेवलप कर लिया भगवान के साथ में, गॉड के साथ में। तो सब कुछ था, मैं श्री कृष्णा को बचपन से मानती हूँ, तो उनको सब चीज बताती थी अपने के, ये हुआ वो, उनको अपने सखी सखा मानती थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे बहुत सारी हर्डल्स हैं भगवान ने हल कर दी, पर डेफिनेटली हर्डल्स तो बहुत रही है लाइफ में। यू नो एक डिप्रेशन सा हो गया था बचपन से ही कि क्या मतलब, लोग जब उस पर हंसते हैं, घर में आकर रोती थी क्यों हंसा किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो घर में आकर रोती थी कि क्यों बोल दिया किसी ने मेरे को ऐसा। तो बहुत बहुत तकलीफ नायक, जो जन तकलीफ 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 दायक रहा है मेरा यू नो एंटायर बचपन। तो आई वॉज वेरी वेरी सैड, एंड मेरा वो सैडनेस इतना गंदा डेवलप हो गया था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी। मतलब स्कूल में मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते थे उठा के कि हाँ आई जी आ खड़ी हो जाओ, ठीक है इसका आंसर बताओ, मुझे आंसर पता भी होता था, मैं नहीं बोल पाती थी, एंड खड़े होकर स्टार्ट होती थी आई शुड स्टार्ट क्राइंग, यू नो। तो वैसा मेरा बचपन रहा है कि मैं, आप ये सोच नहीं पाएंगे कि वो लड़की आज ऐसी लड़की बन गई है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरा हो गया है, पूरा मेंटली फिजिकली नहीं हुआ है, मेंटली भी हो गया है। तो अब विदाउट योर फैमिलीज हेल्प नास जी, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इवन विद फैमिलीज हेल्प आजकल डिफिकल्ट हो रहा है सबके लिए। सब लोग बोल रहे हैं मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। जिन लोगों के पास सारा फैमिली है सपोर्ट के लिए, फ्रेंड सपोर्ट के लिए, वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि नो मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मेरा नो वर्क प्रॉब्लम है, तो इतने प्रॉब्लम्स हैं। आपने नो सिंगल हैंडेडली यू हैव मैनेज एवरीथिंग, यू नो, विदाउट योर पेरेंट्स सपोर्ट, विदाउट योर फ्रेंड्स सपोर्ट, एज यू हैव टोल्ड मी जस्ट नाउ कि मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो, फेस ऑफ योर लाइफ, राइट? राइट नाउ यू आर सेटल्ड, यू आर मदर ऑफ टू किड्स, दैट इज फाइन, बट बिफोर दैट नो नोबडी सीज दैट कि कितना पेन आपने झेला है उससे पहले। तो इट हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट विदाउट यू नो योर पेरेंट्स सपोर्ट लाइक। सो हाउ वॉज योर इक्वेशन एक्चुअली विद देम, विद योर नो पेरेंट्स लाइक, जब आपने, व्हेन यू केम आउट इन ओपन मैं दैट यू नो यू आर गोइंग टू बी अ ट्रांस वुमेन। बताती हूँ, टिल द एज ऑफ 30 यू नो मेरा उनके साथ कोई इंटरेक्शन था नहीं। इन 2015 में जब मेरी फर्स्ट टाइम पिक्चर आई यू नो ऑन तहलका कवर, आई वाज द कवर ऑफ अ तहलका मैगजीन, मैं वहाँ आई,
आके मैंने जो है उसके बाद CNN IBN ने मेरे पर एक डॉक्यूमेंट्री करी एंड वो डॉक्यूमेंट्री मेरे फादर ने देखी एंड 2015 में मेरे पापा ने मुझे दोबारा बुलाया। तो मैं जब दोबारा घर आई पापा के साथ सिचुएशन ठीक ठीक थी, मतलब लेकिन मम्मी ज़्यादा बात नहीं करती थी मेरे से, ठीक है आज भी बात नहीं करती हैं, बहुत वायलेंट होती हैं आज भी जो है काफ़ी बार मार खानी पड़ती है उनसे, काफ़ी गालियाँ खानी पड़ती हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा रूम दिया हुआ है पापा ने मुझे, जाने से पहले मेरे पापा का देहांत हो गया लास्ट का, तो एक कमरा है मेरे पास में, उसी कमरे में रहती हूँ, ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि मम्मी अपने रिलेटिव से मिलने नहीं देती हैं। पापा के साथ इक्वेशन पर बेटर था आई थिंक, आई नो वाई, मम्मी के साथ इक्वेशन कभी मेरा बेटर नहीं था, आज तो बिल्कुल वर्स हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे को बताऊं तो पेरेंट्स ने कभी इतना सपोर्ट नहीं किया। हाँ जब मैं कुछ बन गई थी तभी पापा ने मुझे बुलाया घर पे, फिर जब 2018 में मेरी मॉम ने कुछ ज्यादा कुछ करने शुरू कर दिया, मैं घर पर थोड़ा छोड़ चली गई एंड 2018 के बाद 22 में 2022 में घर वापस आई मैं, बिकॉज मेरे डैड को कैंसर हो गया था एंड आई वॉन्टेड के भी वो जो है उनके साथ में रहूं, उनके आखिरी वक्त में उनकी सेवा करूं, तो दैट आई वांटेड टू बी देयर, बट यू नो माय मम नेवर वांटेड मी होम, बट आई एम हियर बिकॉज इट वाज हिज लास्ट विश फॉर मी टू स्टे एट होम। दैट्स एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट टू एक्चुअली से कि आपने इतना सब कुछ यू नो गो थ्रू करने के बाद भी यू स्टूड योर ग्राउंड्स कि दिस इज व्हाट आई वांट आउट ऑफ लाइफ एंड दिस इज हाउ आई वांट टू बी, और आप उनके साथ भी खड़ी हुई नो विद योर पेरेंट्स इवन व्हेन दे आर नॉट सपोर्टिव और दे हैव नॉट एक्चुअली यू नो गिवन यू दैट काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे शुड हैव गिवन यू, स्टिल आपने इतना इनका साथ दिया है आज तक भी, सो डेफिनेटली दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल आई वुड से एंड एक्चुअली आई वांट टू ऐड इन हियर वन थिंग दैट के यू नो समटाइम माय मॉम इज सो वायलेंट ऑन मी, मन तो करता है कभी कभी कुछ कंप्लेन कर दूं बट मैं नहीं कर सकती बिकॉज है तो वो मेरी माँ ही ना आखिर में, तो हम लोग नहीं कर सकते। हाँ मैंने कई बार माँ बाप को देखा है बच्चे कंप्लेन करते हैं, माँ बाप को देखा करते बाहर निकालते हुए, बट कहते हैं ना माँ के तो 3 4 बच्चे हो सकते हैं लेकिन एक बच्चे के तो एक ही माँ होती है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मेरा पूरा अपर लिप जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, और मैं जब हॉस्पिटल गई वहाँ पे भी बहुत दिक्कत आई, वहाँ पे भी कोई अटेंड नहीं कर रहा था ट्रांस समझ के, यू नो तो बहुत हॉस्पिटल दिक्कत आती है। इस साल उन्होंने मुझे जो है लॉक कर दिया एक रूम में, मैं चिल्लाई बहुत चिल्लाई और मेरा जो गला है ना उसमें ट्रॉन्सलाइटिस आ गया, एक मेम्ब्रेन जो है वो खराब हो गई, इसको मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी अभी। बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि अपनी मॉम के बारे में कंप्लेन करूँ या मॉम के बारे में कुछ बोलूँ किसी को, बिकॉज यू नो लगता है कि एंड ऑफ द डे शी इज माई मदर एंड आई रियली डोंट आई शुड नॉट डू, बिकॉज उन्होंने अगर पैदा किया है तो ठीक है मानने का राइट है उनको, बट इट्स ओके यू नो उनके थॉट मेरे थॉट प्रोसेस मिलते नहीं है, उनके लिए मैं एक समाज में कलंक हूँ, उनके लिए मैं एक समाज में एक कहते हैं शर्मनायक शर्मनाक चीज हूँ उनके लिए मैं बहुत, तो वो उनका थॉट प्रोसेस है बट मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, मेरे को अपनी लाइफ जीने का है जैसे मुझे जीना है, और हमेशा मेरे को अपनी लाइफ अपनी टर्म से जीनी जीनी थी और जीनी है और जीती रहूंगी जब तक हूँ मैं, बिकॉज आई कैन। अगर वो कहते हैं ना, मैंने कभी इंटरव्यू देखा था अनुष्का का जो बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, ही सेज दैट अगर मैं लोगों के कहने पे चलूंगी कि भी लोग तुम ऐसा करो वैसा करो तो मेरी लाइफ नहीं वो उनकी लाइफ है, राइट एंड ऑफ द डे इज माई लाइफ, सो आई हैव टू डू वॉट आई फील लाइक, आई कैन नॉट लिसन टू माई मॉम, आई कैन नॉट लिसन टू माई सिबलिंग्स, आई कैन नॉट लिसन टू माई एनी बडी कि भी ऐसा करो आप, मैं जो करना चाहूंगी वो राइट करूंगी बिकॉज इट्स एंड ऑफ द डे माई लाइफ एंड आई हैव फुल राइट टू हैव डिसीजन। राइट यू एक्चुअली हैव एक्चुअली अचीव मोर देन व्हाट योर सिबलिंग्स और एनीबडी यू नो इन दिस वर्ल्ड कुड हैव अचीव, बट स्टिल अगर उनको नजर नहीं आ रहा है तो आई डेफिनेटली पिटी देम डेफिनेटली कि आपने इतना इंडिया के लिए इतना फेम लाया है इतना नाम कमाया है, फिर भी अगर इफ दे आर नॉट एबल टू सी दैट योर सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स फॉर दैट मैटर इफ दे आर नॉट एबल टू सी दैट एंड इफ दे आर गोना ट्रीट यू अदरवाइज देन डेफिनेटली इट इज एक्चुअली नॉट राइट आई वुड से कि आपने बट उनसे. हाँ अगेन समथिंग दैट यू नो कई बार लोग सोचते हैं कि मनी कैन बाय एवरीथिंग, यू नो माई सिबलिंग्स आर वेरी वेरी रिच, इन वन ऑफ द रिसेंट केसेस माई ब्रदर वॉन्टेड ही वॉन्टेड टू गेट पब्लिसिटी इन द न्यूज पेपर, आई कनेक्टेड टू हिम विद कपल ऑफ यू नो पी आर पीपल बट दे आर नॉट वॉन्टेड टू राइट अबाउट हिम बिकॉज उसमें कुछ था ही नहीं स्टोरी, यू नो ही डिडंट डू एनीथिंग अचीवमेंट, ही डिडंट हैव एनी अचीवमेंट एंड ही वाज रेडी टू पे अ लाख एंड टू फॉर इट यू नो, बट माई स्टोरीज कम ऑन माई ओन, यू नो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने यस गूगल करती हूँ यस और कई स्टोरीज तो क्लियर हो जाती है कि मुझे खुद पता नहीं होता है कि स्टोरीज कहाँ से आ गई, उनके पास पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो पिक्चर मेरे पास नहीं है आज तक, यू नो
So I feel really proud that not all the media, Yes. but some media is definitely supporting me, and I'm very happy and very thankful Yes. to all the media Yes. for supporting me so far. Yes. Definitely, you're supposed to be proud of yourself, and we are all proud of you. Definitely, that is Thank you there. so much. Thank you. Thank you. And Nasty, आप एक निफ्ट ग्रेजुएट भी हैं, करेक्ट? यू आर यस फ्रॉम यस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, विच इज एक्चुअली इंडिया में इतना नाम है निफ्ट का, एक्चुअली वर्ल्ड में इतना नाम है निफ्ट का. यू आर अ निफ्ट ग्रेजुएट, सो हाउ डिड यू एक्चुअली गेट इन टू निफ्ट, एंड कैन यू टेल अस योर जर्नी अबाउट निफ्ट, एज टू हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इन टू निफ्ट, स्पेशली विदाउट एनी सपोर्ट दैट यू हैव. I have सो क्या a आप cousin sister. She's called Viveka ओके Babaji. She was Miss Mauritius World 1993, and she was Miss Universe Mauritius 1994. She also competed with Sushma Sen in 1994 and represented Mauritius. She came to Delhi, or she came to Mumbai, and she was the second face of Council Conference. She was very famous in Mumbai and India that time. And I met her around the time when I wanted to get into NIFT. And we met online through Facebook. And I told her that I want to have a different career, because I don't want to keep working in dance bar. She just asked me, what is your interest of flair? What do you like? So I said that, I sketch very well. I paint very well. That's my hobby. So she called me over to her house in Bandra. So I went to Bandra and met her, and I showed her everything. She said, you have got very good flair for designing. Why don't you design something? So I designed something for her. She liked it, and she told me about the Design Institute called National Institute of Fashion Technology. And in that time, we only had two listing. One was in Mumbai, and one was in Delhi. Okay? So we were like, thinking, kya kare, kya kare. So she said, ye form hai, form bhar do, and I appeared for examination. Examination clear kiya, interview clear kiya. फिर ऐसे करके आई केम टू नेट, बिकॉज बहुत सारा स्टडी करना पड़ा था नेट से पहले. यू हैव टू यस ब्रश अप अगेन योर नॉलेज ऑफ 10th, 11th एंड 12th, बिकॉज देयर इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, देयर इज आल्सो इंग्लिश वोकैबुलरी टेस्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू. यू हैव टू गो थ्रू ऑल्सो लाइक लाइव दे पुट सम एंड वो स्टफ, लाइक दे पुट यू लाइक गमला या ट्री और समथिंग, यू टू ड्रॉ इट फ्रॉम योर एंगल एंड लीव इट देयर. सो दे जज यू ऑन सच पैरामीटर्स, एंड देन यू हैव एन इंटरव्यू विद पीपल. सो व्हेन आई वाज इन इंटरव्यू दिस थिंग, सो they asked me, are you like a gay or something? So I said, no, I don't know what is gay means, So anyways, they were quiet, so they didn't say much, So they said, why you want to, you see your profile, and you're coming from Mumbai, and you were in a dance bar, you worked in a dance bar. So why such a big transition that you're taking? I said, because I want to change my life, and I want to be somebody who is like known. And हम लोग के time पे I used to watch, at home about designers, their fashion shows. I really like Ritu Kumar and Ritu Berry that time. They were my inspiration to become designers, and I became designer. And वहीं से शुरुआत हुआ. और मैं अपने व्यूअर्स के बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ निफ्ट से ग्रेजुएट नहीं किया है. निफ्ट से मैं जब मैं ग्रेजुएशन शो था मेरा, आई गॉट द मोस्ट क्रिएटिव डिजाइनर अवार्ड, एंड तब से ही मेरा मीडिया में नाम आना स्टार्ट हुआ था. एंड उसके बाद में आई एंटर्ड क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, IIT गाजियाबाद. तो IIT गाजियाबाद ऑल्सो अगेन आई टॉप. आई वॉज फ्रॉम द 2006 बैच, एंड यस, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई वॉज एबल टू कम्प्लीट माई स्टडीज, बिकॉज सी यू हैव सर्टेन ड्रीम्स इन योर लाइफ, बट फर्स्ट यू शुड कम्प्लीट द स्टडीज आई थिंक. तो हमने स्टडीज कम्प्लीट किया अपना अपना जो है लाइफ को, क्योंकि नॉलेज जो है ना, कहते हैं आप जितना पढ़ाई करेंगे उतना आपको नॉलेज आएगा. विद नॉलेज यू हैव विजडम, एंड विद विजडम यू कैन गेट सक्सेस. राइट 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 दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी कमेंडेबल, क्योंकि आप कुछ भी डिपार्टमेंट चूज कर सकती थी आपके लाइफ में, विच एनी कोर्स यू कुड हैव चोजन, एनी पाथ यू कुड हैव चोजन, बट यही चूज करना है, ऐसे ही रहना है. देर इज अ नो वे टू लिव, और आपने वो सही चुना है. दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी कमेंडेबल कि जैसे भी चाहे वैसे रहें, वो तो लाइफ नहीं है ना, तो ऐसे ही रहना है. देर इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर दैट, सो दैट यू एक्चुअली डन इट वेरी वेल आई थिंक, एंड दैट इज वेरी वेरी Actually, I कमेंडेबल आई want वुड to tell से. you here that when I went for my C-section surgery in 2013, I was alone. I was totally alone that I went in for such a big surgery.
And the sister, the nurses, to tell me that, ma'am, you have come alone. We have normally seen, people coming with their, co-trans friends or co this thing. They come from Right, Gharana, you come right. with their co this thing sisters, but you have come alone. How come you have so much of courage? Aren't you scared? I said, no, I'm not scared of anything or anybody in the world. I'm only scared from God, that I really, I'm very, very fond of God, and I really, really spiritual. I'm only this thing with him. Otherwise, I'm not afraid of anybody. So I was very brave. I sat under this my surgery. It took 6 hours to complete my surgery, and I was, sab kuch khud se kiya, and I didn't even have any attendant also. Can you imagine? Like, I have gone through Right. subsequent surgery, and stitches are there, and कुछ भी करना है तो सिस्टर को बोलना है कि यू गेट मी दिस व्हाट यू कॉल नारियल पानी, और यू गेट मी, बिकॉज़ वी नॉट एबल टू ईट एनीथिंग फॉर 3 to 4 days. आफ्टर 1 week यू सी दैट 15 days यू सी द स्टिचेस आर गेटिंग ओपन. सो व्हेन द स्टिचेस वर ओपन, दिस वन सिस्टर केम अप टू मी, नर्स केम अप टू मी, एंड शी शोड मी द मिरर, एंड शी सेड, हाउ आर यू फीलिंग? आई सेड, फीलिंग नॉर्मल. आर यू रियली एक्साइटेड? आई सेड, नो. व्हाई? आई सेड, यही तो होना चाहिए था. दिस वाज सपोज्ड टू बी हाउ आई वाज सपोज्ड टू बी बॉर्न. And I'm very happy that this has happened, but I'm not excited about this. This is something which is lacking in me. Agar bhagwan ne mere ko aankh nahi di hai, I have full right to have my eyes operated. So why not this? Right. Usually, logo hospital या डॉक्टर के पास, they usually take somebody with them. Even with थोड़ा सा सर दर्द हो गया या जुकाम हो गया या फीवर ऑल्सो दे टेक समबडी, बट यू हैव टेकन सच अ बिग स्टेप, आई वुड से वेरी बोल्ड स्टेप, एंड यू हैव मेड थ्रू इट ऑल्सो सक्सेसफुली. तो दैट एक्चुअली आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वॉचिंग दिस शो और हु विल बी वॉचिंग दिस शो लेटर ऑन, इट विल स्ट्रीम इन आर यूट्यूब चैनल ऑफ थिंग दैट मैटर्स. सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक दैट लाइफ लेसन, दैट वेट फॉर नोबडी इन लाइफ टू कम एंड गिव यू दैट पुश. यू हैव टू बी योर ओन मोटिवेशन एंड यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू हैव टू पुश योर बाउंड्रीज एज हाउ मिस नास जोशी हैज डन इट. इफ यू नीड समथिंग, you have to get up and you will have to do it. Don't wait for anybody. No knight in the shining armor is going to come and who's going to show you the way. So you will have to show the way yourself. So Miss Correct. Nas Joshi is a very, very great example for that, that if you need something, do it yourself. Only then that work will be successful. Not keep waiting for others and you will keep waiting forever for that time. All right. Miss, yeah. So, Nasty, you completed your fashion designing. You told us the incident just now. Uske baad mein, how did the transition of getting into modeling industry happen? Because you are an icon in the modeling industry right now. So, ye modeling industry mein aana kaisa hua? Because you were a fashion designer. So, model banna, how did you actually think that you can become a model? Okay, so I will tell you about an incident in my life that had made me go to sex work. See, I was looking for a designer's job. When I was, I quit job from Ritu Kumar into Berry, I was again looking for a job. But kya hota tha? I used to go for my interview. I used to get selected. But एक काम था लोगों का, जरूर थोड़े मैस्कुलिन बन जाओ, एंड बिकॉज़ आई वाज एक्सट्रीमली फेमिनिन. See, gays are a different thing altogether. Yes, yes, They have an orientation towards men, but we trans yes, women are women. So बहुत मुश्किल था वो yes. करना, and they like my work a lot because I am very creative person. और ये नहीं है कि मुझे डिजाइन करना है. I like doing interiors. I like doing I love gardening. I love everything this creative. But problem क्या होता था कि भाई यही था First a masculine one job because you won't be accepted by the workers here and all that. And मेरे को लगा कि यार अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, एंड आई एम गेटिंग टू दिस थिंग एम्प्टी स्टमक. आई सी स्लीप, कई बार होता था बिल्कुल भी खाना खाना नहीं पड़ता था बिकॉज आई वाज स्टेइंग ऑन रेंट, रेंट भी देना है. तो फिर मेरे को एक दिन देखा कि भी देयर इज अ जॉब इन अ स्पा, सो व्हिच वाज लाइक अ सेक्स वर्क, लेटर आई गॉट नो. सो आई वाज इनटू दैट, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई टेल यू समथिंग, व्हाट Your destiny is no one can steal from you. And when you ask something from God very pure heartedly, He listens to you. So मेरे को ये तो था कि I always like glamour, I always want to be famous. But कैसे होगा वो मुझे मालूम नहीं था, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो गया. एक्चुअली मेरे काम में
आई हैव अ फ्रेंड, मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड, एंड ही इज टू कम टू मीट मी ऑफन, एंड ही टोल्ड मी कि उसका कोई फ्रेंड है फोटोग्राफर ऋषि कनीजा नाम से, एंड वो एक फाइल बुक करना चाहता है, एंड ही वॉज अ वेरी फेमस फोटोग्राफर एंड ही स्टिल अ फेमस फोटोग्राफर, इज अ टैटू आर्टिस्ट ऑल्सो. तो ही टोल्ड मी कि मुझे एक वो बनाना है, बायोपिक बनाना है, लेकिन वो बायोपिक जो है उसमें बहुत बोल्ड पिक्चर्स आएंगी, आर यू कंफर्टेबल? आई सेड वेयर आर द पिक्चर्स वी शोन? ही सेड वी गोइंग टू बी शोन इन माय एग्जीबिशन इन मिलान. मैं बोली ठीक है आप करो स्टार्ट. ही स्टार्टेड वर्क विद हिम, यू नो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम फॉर हिज स्कूल. वहां से कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, बिकॉज जब मैंने दिल्ली में एक जगह है लाजपत नगर फ्लाईओवर, वहां पे रात को नॉर्मली प्रोफेशनल स्टैंड होती है, उसने मुझे बोला कि तुमको साड़ी पहनना है वहां पर, ठीक है अटैक साड़ी, एंड तुमको वहां खड़ा होना है, एंड आई वांट टू क्लिक यू देयर. बोली ठीक है. इट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी डेयरिंग फॉर मी टू डू एट 5 o'clock इन द इवनिंग. यू नो आई वाज वेयरिंग अ ब्लाउज, आई वाज वेयरिंग अ साड़ी, एंड आई हैड टू जस्ट टेक आउट माय पल्लू, एंड आई वाज स्टैंडिंग एंड ही वाज हिडन समवेयर, एंड मेरा अंदर से जान नहीं पड़ी थी उस टाइम पे. मैंने कहा क्या हो रहा है, बिकॉज एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग लाइक रुक रुक के देख रहे थे मुझे क्या हो रहा है, एंड आस्किंग फॉर ड्रेस एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक यू नो स्टैंडिंग देयर टॉल, यस मुझे शूट करना है, मुझे शूट करना है, एंड आई वॉज हैविंग दैट कॉन्फिडेंस. सिमिलरली देन ही वॉन्ट शूट विद अ क्लाइंट, यू नो अगेन ही वॉज दिस थिंग, चुप गया. अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैंने कहा अगर क्लाइंट पर चल गया क्लाइंट मेरे को जान ले लेगा, तो ही अगेन क्लिक मी फ्रॉम देयर. बट वेन द पिक्चर्स केम आउट यू नो, तो पिक्चर्स वर इन ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इट हैड कंटेन्ड अ लॉट ऑफ पेन इन द माई आईज, दैट वॉट इज ट्रांसमेंट मीन इन इंडिया, वॉट वी आर डूइंग द सेक्स वर्क इज नॉट आवर प्रॉब्लम, बिकॉज people who refuse to give us 9-to-5 job are equally responsible for our condition in India. You know, it's a real problem to us. And then he really admired me for that I took this project on. And उसी टाइम पे तहलका मैगज़ीन वाज लुकिंग फॉर अ कवर मॉडल, फर्स्ट टाइम ट्रांस कवर मॉडल, बिकॉज वेस्ट में जो है दो बड़ी मैगजीन्स के अंदर में जो है दो वहाँ की बहुत बड़ी ट्रांसजेंडर आई थी, उनका नाम था लावण्य कॉक्स एंड कैटलिन जेनर. ठीक, तो कैटलिन जेनर इज वेरी फेमस इन यूएसए, लावण्य कॉक्स आल्सो वेरी फेमस है, तो टाइम मैगजीन एंड वैनिटी फेयर में आए थे, तो तहलका वांटेड एन आंसर. तो हमारे टाइम पे इतना ज्यादा मतलब कि मॉडल नहीं हो करती थी, ट्रांस मॉडल जो होती भी थी वो ग्रूम नहीं थी, दे वर नॉट ग्रूम, तो दे सडनली सॉ अ ग्रूम ट्रांस मॉडल एंड दे सेड नो दिस इज आवर चॉइस एंड वी हैव टू पुट हर ऑन कवर. मेरे को यकीन नहीं हुआ कि दे वांटेड टू पुट मी ऑन कवर. जिस दिन तक मेरा 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 वो मैगजीन लॉन्च नहीं हुआ, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ये सब होगा भी, ऐसा कि क्या मजाक कर रहे होंगे नो दैट वे. तो हमने किया एंड आई वाज सो अमेज्ड कि भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड देन सीएनएन आईबीएन आल्सो हैड टू लुक द पिक्चर्स एंड दे मेड माय यू नो जर्नी इनटू अ डॉक्यूमेंट्री मूवी, एंड वहां से 2013 से आई स्टार्टेड मॉडलिंग एंड टिल नाउ आई एम मॉडलिंग. एंड अभी क्या है, अभी आई एम स्टिल यू नो डूइंग द शो स्टॉपिंग वर्क वेयर द गर्ल इज सपोज्ड टू वॉक यू नो, and I'm very happy and very glad that I got that work, and because of that I think I could enter into beauty pageants, I could earn some money from there. The only issue that I have today is that today because of COVID and because of lockdown we don't have so much of work, I don't have so much of work as a model. So what I do is normally I'm starting our international trans pageant with countries. I already have like 5 countries in my hand: Indonesia, we have Panama, we have Panama, we have Italy, we have Dominican Republic, and we have Colombia. So 5 countries I already have, and all the countries are representing one trans woman from there. They will come to India, and this is the first time a trans woman from India is organizing international training for trans women. You know. तो वो बहुत एक्साइटिंग चीज होने वाली लाइफ मेरी, तो 2022 में होगा. एंड हमारा थीम है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन, तो बेसिकली एवरीबॉडी इज गोइंग टू वर्क इन देयर कंट्री फॉर नो डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन. एंड जब लोग इंडिया आएंगे तो हम लोग एक नेशन का परेड भी करेंगे, वी आर गोना कॉल ऑल द मीडिया एंड वी वर ऑल गोना वॉक एंड टॉक अबाउट दैट व्हाट हैपन इन आवर लाइफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज आज मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अर्न कर सकूँ, आज मैं डोनेशन पे जी रही हूँ, मेरा मिलाप पे कैंपेन चल रहा है milaap.com पर, वहाँ कैंपेन चल रहा है सपोर्ट ट्रांसजेंडर, तो वहाँ के मैं जो पैसा आता है उससे मैं अपना गुजारा करती हूँ. और अभी जो मेरा ब्यूटी पेजेंट का काम है वो भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बिकॉज इंडिया में लोग डर रहे हैं अभी ज्वाइन करने के लिए, हम ज्वाइन करेंगे हम मनी देंगे कि मनी पैसा फंस ना जाए, वो सब होता है. तो मैं जो है अभी
इनफैक्ट हेल्थ इश्यू से भी मैं बहुत लड़ रही हूँ. आई हैव अ डिजीज विच इज कॉल्ड इन्फेक्शियस मोनोक्लियोसिस. इसमें क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है. एंड आई हैड कोविड लास्ट ईयर, वो ठीक हो गई थी. 2016 में आई गॉट इट वर्स, एंड इन 2019 व्हेन आई हैड कोविड इट केम बैक, वापस कोविड में आ गई. 2020 में जब मेरे को हुआ तो कोविड वापस डिजीज आ गई. तो आज की डेट में मुझे एक इंजेक्शन है यूक्राइन, उसके बहुत से जीना पड़ रहा है. बट आई एम स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड दैट आई हैव टू फाइट विद दिस डिजीज एंड स्टिल आई हैव टू कंटिन्यू वर्क, बिकॉज मैं ऐसे डिजीज से हार मान के नहीं बैठ सकती हूँ. फॉर दैट यू नो, यस बिकॉज ओनली आई वाज कन्फाइंड टू माय वन रूम एंड आई स्टार्टेड बाइंग अ लॉट ऑफ यू नो प्लांट्स एंड आई स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग देम, मतलब उसको एक से दो, दो से तीन से करके. मेरा छत पे लाइक ओवर लाइक 2 फ्लोर अप आई हैव अ स्मॉल गार्डन. आई ऑलवेज गो अप एंड डाउन टू लुक आफ्टर देम. That helps me also keep healthy because I've lost 12 kg recently, and also it helps me become active, you know. तो वो सब सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि आप परेशान हो, आप कोई दिक्कत है, आपको कभी चक्कर आ रहा है, आपको कभी कुछ हो रहा है. वो सब सोचने का टाइम मेरे को नहीं है. मेरे को सोचने का टाइम है दैट आई वॉन्ट टू वर्क, यू नो, टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ. नो मैटर वॉट हैपन्स आई एम गोइंग टू वर्क एंड आई हैव टू सस्टेन माई सेल्फ फॉर माई डॉटर, यू नो, आई हैव टू डू दैट फॉर देम. एंड अभी 2-3 साल में वो लोग स्कूल जाने पड़ेंगे, तो स्कूल जाने के लिए भी फीस देखना पड़ेगा मुझे. तो ऑल दैट हैव टू कीप इन माइंड एंड यू नो. तो मैं इसीलिए भी जाती हूँ इन इन पेजेंट, सो दैट आई कैन अर्न सम मनी फ्रॉम पेजेंट. एंड दैट्स अबाउट इट, यू नो, दैट इज व्हाट हाउ आई बिकेम अ मॉडल. एंड अभी मैं क्या है कि अभी मैं जो है मोस्टली जो है अपने पेरेंट पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, सो दैट कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सके मेरे पेरेंट के लिए. आई एम ऑर्गेनाइजिंग पेरेंट फॉर मिस्टर मिसेस मिस एंड किड्स एंड टीम्स एंड ट्रांस ऑल्सो नाउ. सो वी आई बिकम वेरी डाइवर्सिफाइड माई वर्क, सो दैट यू नो लेट एवरीबडी हैव अ चांस टू कम ऑन द स्टेज एंड वॉट ड्रीम्स दैट वी हैड टू नो रियली फॉलो. एंड आई डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हैविंग माई ड्रीम फॉलो दैट अदर्स डोंट हैव सो मच प्रॉब्लम फॉलोइंग दोस ड्रीम्स. दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थॉट नास जोशी, के सिर्फ मैं आगे ना जाऊं, मैं सबको लेके आगे जाऊं. हुएवर हैज ड्रीम्स लाइक एग्जैक्टली मी, लेट देयर ड्रीम्स ऑल्सो कम ट्रू. यू नो, लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट दैट स्टेज और डोंट गेट दैट प्लेटफॉर्म, एंड यू आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म टू देम, यू आर गिविंग देम, शोइंग देम दैट वे. दैट्स वेरी वेरी एक्चुअली इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट यू आर डूइंग. इट्स अ काइंड ऑफ सोशल वर्क यू कैन से, डेफिनेटली, Yeah, के no, I am सबको सब. happy with social work also. In 2018, I was working with Dr. Udit Raj, the member of parliament then. I used to go to his constituencies and I initially, you know what? See, my style of clothing is something very there and there. You know, I wear very deep necklines and I wear dresses. So, with Dr. Udit Raj, when we meet, he told me, "Bola ki dekho, beta, you don't know politics, how politics is. You should wear, you know, salwar kameez." मैं बोला मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ. तो वो ही किसी में 2 सलवार कमीजेस वो पहन के मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गई. एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी कोई अर्बन एरिया नहीं थे, दे वर लाइक यू नो रोहिणी के पास में कोई गांव हो गया, या यू नो लाइक बदरपुर के पास में कोई गांव हो गया, ऐसे गांव में जाती थी मैं. एंड वहाँ पे आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट वहाँ पे औरतों ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया. औरतों बच्चों ने यू नो वो आते थे सुनने के लिए मुझे. मैं हम लोग मंदिरों में क्लासेस कंडक्ट करते थे उनकी, मंदिरों में या फिर किसी छोटे से आश्रम के अंदर में. एंड आई टू स्पीक टू देम अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आई टू टॉक अबाउट देम यू नो अबाउट देयर राइट, आई टू टेल देम अबाउट यू नो हाउ यू शुड नॉट यू नो गेट स्केयर्ड ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल. सो आई टू जिसको टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी. तो वो मुझे मतलब वहाँ पे था, वो किया मैंने उनके साथ काम अराउंड 6 मंथ तक. फिर मैंने एक एस टी एम है दिल्ली के, उनके सेंट्रल दिल्ली के, हिज नेम इज डॉक्टर नितिन शाइकिया. उनके साथ भी थोड़ा काम किया मैंने ट्रांसजेंडर प्लेसमेंट के लिए. और जो अभी मैं करने वाली हूँ इन 2022, दैट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट थिंग फॉर द ट्रांस कम्युनिटी एवर, बिकॉज इंटरनेशनली ट्रांसजेंडर के इतने कॉम्पिटिशन नहीं है. यू नो पीपल आर स्केयर टू कॉम्पिटिशन, बिकॉज लगता है कि स्पॉन्सरशिप कहाँ से आएगी, वो कहाँ से. बट आई एम कॉन्फिडेंट फॉर माई स्कूल के, और मैं अगर बिल्कुल फोकस्ड स्पॉन्सरशिप में लेकर आऊंगी एंड उन गर्ल्स को प्लेटफॉर्म दूंगी जहाँ पे वो अपनी वॉइस को रेज कर पाएंगी डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू. दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी कमेंडेबल, क्योंकि आज लोग दे आर ऑल्सो सेल्फ सेंटर्ड, यू नो, खुद के बारे में ही सोचते हैं, और खुद का अगर सब कुछ ठीक हो तो सब बराबर है. बट हियर यू आर ऑलरेडी फेसिंग, यू नो, लॉट ऑफ इश्यूज इन योर लाइफ, हेल्थ वाइज,
एंड यू नो फिनेंशियली एंड ऑल्सो पर्सनली, बट स्टिल यू वॉन्ट टू गो आउट देयर एंड बी फॉर द सोसाइटी एंड यू नो हेल्प द सोसाइटी एंड वॉन्ट टू टेक दी सोसाइटी फॉरवर्ड विथ यू, विच इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल जॉब आई वुड से. हमारी दुआ यही होगी कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं आप डेफिनेटली उससे लड़ पाए, और जो भी आपको मदद उसके लिए चाहिए होगी डेफिनेटली यू शुड गेट इट फॉर दैट, बिकॉज यू ट्रूली ट्रूली डिजर्व इट. एंड आई ऑल्सो आस्क ऑल माई ऑडियंस एंड पीपल आर वॉचिंग दिस शो, मिस नास जोशी हैज अ डोनेशन यू नो कैंपेन रनिंग ऑन मिलाप, सो प्लीज गो विजिट दैट एंड वॉट एवर यू आर एबल टू डोनेट फॉर हर कॉज प्लीज डू सो, बिकॉज दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट यू नो वॉट डू यू से वेरी वेरी गुड सोशल नोबल सर्विस कॉज, दैट यू वुड बी डूइंग फॉर द सोसाइटी. या डेफिनेटली नोबल कॉज दैट यू वुड बी डूइंग. So definitely, I would definitely ask Ms. Nas Joshi to share the link also of you know the I Milab want to campaign go to that she is Google. you know Only you can running. go to Google search engine. Right now, Joshi Milap, MILAAP. You will be able to go to my campaign. Yeah. So there you got the address. So I would definitely ask everybody who's watching and who's gonna watch to go ahead and make your donation. That is how Thank you you. make a difference in the society. So her story is Thank you. definitely, you know, a very, very motivational, because you heard her, because you know the kind of health issues that she is trying to cope up with all alone. It is not that she's got, you know, a backup or a family or you know a support or a partner. Nothing. And in spite of that, she's actually you know a mother of two kids. Coming to the kids, Nas Joshi, aapke life mein bacche, like how did you think that you would want to become a mother, and how's that the two wonderful kids came into your life? Okay, so I want to share a very funny incident here. I was watching again Femina Miss India, okay, of 2007, because we all have smartphones now, and I normally watch because pageant, because I get to learn a lot of things for myself. So वहाँ पे साजिद खान वॉज होस्टिंग दैट 2007 फेमिना मिस इंडिया, एंड ही कम्स अप ऑन स्टेज एंड बोला था, कोई मतलब टीसा से बात नहीं करेगा, यहाँ से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगा, आप सब तो लोग बोलती हो कि बच्चा अडॉप्ट करेंगे, कोई नहीं अडॉप्ट करता है. So that thing stuck on my mind that, you know, beauty queens, they often these things. And we already have example of a woman, Sushmita Sen, who is also not married, and she has two kids, and she adopted those two kids. And so she was one of my inspiration behind it. And also in Miss World 2018, I had promised to adopt a baby on the stage. And yes, and then luckily, you know, immediate family of mine was, you know, giving away their daughter who was just 15 years old to some ashram. I said, "Don't do it. I will take care of her." So they said, "No, they obviously they know me from past many years." So they said, "Okay, today, you know, my daughter, elder daughter is about 2 years and 10 months old, I think. You know, I'll give her this incident that happened 2 3 days ago, that I was having my food. Because I'm not the one who can have tikki mirchi, and I can't have mirchi masala food at all, because of my health issues, okay? So I was having something and it contained mirchi and I got hiccups. So she immediately, she was just sitting with me, and she immediately went to this thing, fridge, and she got me a bottle of water. She said, "Mummy, Oh, pani that's piyo, mummy, so pani piyo." sweet. That's So so caring, sweet. you know, and मैं बोलूंगी कि मुझे अगर ट्रू लव मिला है, इफ आई गॉट अ ट्रू लव एवर, इट्स फॉर माय डॉटर्स ओनली. आई थिंक आई एम सो यस फॉर्चुनेट दैट आई गॉट लव डेफिनेटली. फॉर माय डॉटर्स. आई नेवर गॉट, यू नो, मुझे लगता है कि शायद भगवान ने उसको मिले बनाया, शायद भगवान ने सोचा, यस गॉड थॉट दैट, यू यस नो, शी डिडंट गेट लव फ्रॉम हर पेरेंट्स, शी डिडंट गेट लव फ्रॉम हर सिब्लिंग्स, शी नेवर यस गॉट लव फ्रॉम पार्टनर, शी नेवर गॉट लव फ्रॉम सोसाइटी, यू नो. तो अभी उसको क्या करने का, तो गॉड सेंडिंग दिस एंजल एंड शी इज डैम केयरिंग अबाउट मी, शी इज डैम केयरिंग, यस. एंड That's आई एम so हैप्पी दैट sweet. माय फैमिली हैज एक्सेप्टेड हर. आई एम हैप्पी दैट माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय मदर आल्सो हैज एक्सेप्टेड हर. And they really love her a lot. And my papa, he used to love her a lot. And yeah, she's been well accepted in the family. So वो क्या है, रात को अपनी नानी के पास सोएगी, and the whole day she wants to be with me. We watch cartoon together. We go to our garden together. I take her pictures. We take a lot of pictures together. We make videos together. So like, you know, she's very very fond of me, and she's always this thing. She always wants to be surrounded by me. The younger one is very, very young right now. And yes, she is also being raised up well.
बट उन लोगों के लिए ही मुझे जीना है, उन लोगों के लिए कुछ करना है. सो दैट वॉट माई कैंपेन इज ऑल्सो ऑल अबाउट दैट, यू नो, एनी डोनेशन दैट दे गिव आई पुट इट, आई नॉर्मली गोइंग टू पुट इट ऑन माई चिल्ड्रंस अकाउंट एंड आई एम गोइंग टू बी, यू नो, पुटिंग दैट फंड फॉर द एजुकेशन एंड विच इज आई थिंक इज वेरी वेरी गुड. एंड यू लिस्टिंग माई डॉग, आई गॉट टू डॉग ऑल्सो एट होम. क्योंकि डोंट डू इट ओलिवर, डोंट डू इट, दे नीड सम टाइम, यू नो दिस थिंग. सो आई गॉट टू डॉग एट होम. सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज दिस, सो डॉटर्स आर मैजिकल इन द कंट्री. द पीपल हु डू फीमेल इन्फेंटिसाइड, द पीपल हु यू नो डू डोंट कंसिडर देयर डॉटर्स एज देयर ओन, दे से पराया धन है, घर चल जाती है. एंड आफ्टर शी गोज टू द इन लॉज, शी बीन टोल्ड कि भैया तुम वहां पे जियो, यहीं पे मरो. दैट वाज शुड नॉट बी देयर, बिकॉज आई थिंक डॉटर्स हैव वेरी गुड हार्ट. एंड आई वोंट से एनीथिंग अबाउट मेन, आई कांट कंपेयर विद मेन, बट मेन स्टिल आर नॉट एज सेंसिटिव एज वीमेन आर एंड एज ट्रांस वीमेन आर. एंड बट वी आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड अवर पेरेंट्स अबाउट एनीथिंग. तो दे शुड नॉट ट्रीट देयर चिल्ड्रन लाइक दिस कि भैया हमें लड़का चाहिए, एंड दे शुड नॉट से कि लड़की हो गई, लड़की को दूध मत दो. लड़की एंड में लड़की ही काम आती है. योर गर्ल चाइल्ड समथिंग हु इज गोना कम टू यू व्हेन यू आर क्राइंग अलोन और समथिंग, योर गर्ल चाइल्ड कम एंड टेक केयर ऑफ यू. यू नो यू शुड नेवर हैव दिस इमोशन इन इंडिया दैट गर्ल्स आर, यू नो, कर्स एंड बड़ी होगी, ये होगा. मैं उसको 2.5 ईयर्स से थी, आई एम ट्रेनिंग हर इन बॉक्सिंग. शी बॉक्सिंग सीख रही है अभी, वो सेल्फ डिफेंस सीख रही है, बिकॉज आई टू सेट सेल्फ डिफेंस क्लासेस टू अदर गर्ल्स, व्हाई नॉट माई ओन चाइल्ड. शी इज लर्निंग सेल्फ डिफेंस एंड That got that's very nice. there really well in boxing. That's very nice. That's very nice. It has to be. आजकल सीखना ही है, नो, गर्ल्स शुड नो हाउ टू, यू नो, फाइट बैक. नो, सोसाइटी इतनी खराब हो गए है, तो डेफिनेटली दे शुड नो हाउ टू, यू नो, Sure, टेक she's केयर ऑफ going. I देमसेल्फ. want to cut you here. So I'm sorry, but I'm going to tell नो, दैट्स something ओके. that I have always said in my interviews, that कि ना आप आइडिया बेबी के लिए मत जाओ, you should go फॉर एन ऑफन चाइल्ड एंड गिव अर होम. अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी है मिमी करके, आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो सीन द मिमी मूवी. यस सो द टू यस पापा, यस यू नो, हु आर लुकिंग फॉर सी सरोगेटिंग मदर, आई हैव एंड दे गेट सीन टू नो कि बेटा बच्चा इज नॉट गोइंग टू बी फाइन, हाँ एंड दे हम लिटरली गो एंड अडॉप्ट अ चाइल्ड. सो आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज टू एवरीबडी इन द कंट्री, दैट इफ यू आर नॉट हैविंग बेबी, काइंडली डोंट गो फॉर IVF, बिकॉज बच्चा वही होगा जो आप रेज करोगे. यू नो, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू टेल एनीथिंग दैट, यू नो, मेरे बच्चे कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं आए, बट दे आर ग्रोइंग अप इन ट्रू माई शेड, यू नो, सो दे आर गोइंग टू टर्न ट्रू अप लाइक मी, लाइक ब्रेव एंड ट्रू कॉन्फिडेंट, यू नो. तो ऐसा नहीं है. आप प्लीज, हमारे देश में बहुत लोग ऑफन हैं, कोरोना के बाद में बहुत बच्चे ऑफन हो गए हैं. आई रियली वॉन्ट एवरीबडी, इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर सिंगल और यू आर रेडी टू बी अ मदर, यू रेडी टू बी फादर, प्लीज अडॉप्ट अ चाइल्ड. आई थिंक इट्स द बेस्ट True. कॉज, बेस्ट थिंग इन योर लाइफ दैट यू डू. True. True, true. Very true. And that's a And if you very have a girl powerful child, at message. least have a girl child, yeah. Yes. That's a very, very powerful message के, you know, इतने सारे बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं, और पीपल हु डोंट हैव अ किड, यू नो, दे आर गोइंग ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग फॉर इयर्स टुगेदर, यू नो, फॉर 10 इयर्स, Yeah, and very 15 इयर्स, costly. दे कीप ट्राइंग टू हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, बट देन देर आर सो मेनी चाइल्ड हु आर, यू नो, डोंट हैव पेरेंट्स, हु डोंट हैव अ फैमिली. प्रॉब्ली यू कैन गिव देम अ होम. सो यस, Exactly. दैट इज अ वेरी, Yeah. या सो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज. हाँ, मैंने वो मूवी देखा है, मीमी देखा है मैंने, एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस मूवी, And I'm डेफिनेटली. glad that this movie is made. I'm very, very glad. And मुझे उसका end part ही अच्छा लगा कि they end up हाँ adopting an orphan. क्योंकि हाँ मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि एक्चुअली आई एक वॉज बेबी नॉट चाहिए. एक्सपेक्टिंग वैसा एक एंड. आई थॉट के वो लोग बच्चा छीन के ले जाएंगे कृति हाँ सनन से, बट देन इट वॉज अ वेरी गुड ट्विस्ट दैट दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड एंड दे टुक दैट चाइल्ड अलॉन्ग विद देम. इट्स अ वेरी वेरी करेक्ट गुड थिंग दैट टू अ फीमेल करेक्ट चाइल्ड, दे अडॉप्टेड अ फीमेल करेक्ट चाइल्ड एंड दे टुक इट. इट्स अ वेरी करेक्ट गुड करेक्ट थिंग, इट्स अ गुड मूवी. यस ऑलराइट, नास्या, आप इतना सारा, यू नो, फेम ला चुकी हैं इंडिया के लिए, इतना सारा बिजी रहती हैं. प्रॉब्ली कोरोना में अब आपका काम थोड़ा, यू नो, थोड़ा डाउन. सा कम हो गया है, बट यू आर अ बिजी पर्सन, यू नो, एज अ मॉडल, यू रन, यू नो, अ ब्यूटी पेजेंट ऑल्सो ऑन योर ओन. सो इतना बिजी स्केड्यूल में हाउ डू यू फाइंड टाइम, यू नो, विथ योर डॉटर्स, यू नो, हाउ डू यू बैलेंस दैट, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो जाता है आपसे? गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क, यू नो, बिकॉज मेरा काम नॉर्मली ऑनलाइन होता है. ऑल आई डू डू द ऑनलाइन वर्क,
एंड लॉट ऑफ टाइम आई डॉटर कम एंड से मम्मी फोन छोड़ो, मम्मी फोन छोड़ो, यू नो. सो यस आई गिव हर टाइम दैट टाइम, बट लेकिन अगर कोई फोन उठाना होता है तो देन आई रियली टेल हर दैट यू नो आई हैव टू रियली टेक द फोन एंड आई स्विच ऑन द टीवी फॉर हर, आई स्विच ऑन द कार्टून. शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मोटू पतलू, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस वन व्हाट यू कॉल आवर मोगली, एंड शी इज फॉन्ड ऑफ सम सॉन्ग्स ऑल्सो लाइक रुक 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 अरे बाबा रुक, सच सच सॉन्ग शी लाइक. ओके I play those songs and I go to the room and then she's very happy. She and her television. Then nobody can disturb her. So I do that. Often ओके it becomes very difficult. I'm trying. I really want to get married. To be honest with you, I really have that dream to get married. I have a dream to become an actress, you know. और आज मेरा एक ड्रीम क्या बोलते हैं बहुत पास आता थे रह गया. I was selected for the big picture by Colors for the second round. And I have to appear for what you call online test today, and I have to submit the video, introduction video. But aaj kya hua? Subah unki saath gayi. I think there was too much traffic that I was not able to log in. They again wrote to me that 4 baje ka traffic. So I again went there. I logged in and I entered the page where it was said that up you can let begin the test. But let begin hua hi nahi. Oh. Wo taking 20 minutes for let Oh. begin hua hi nahi. But I think because I think they must be having a lot of traffic. They must have selected at least 1,000 to 2,000 people for the second round. But मैंने फिर सोचा चलो हो सकता है भगवान को छोटी मर्जी हो. आई वॉज नॉट डिसहार्टन एट ऑल. ठीक है चलो खत्म वो करो, टीवी पे आना होगा तो खुद से आऊंगी कभी. हो सकता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कुछ आए मेरे हाथ में, बिकॉज CNN IBN जब आया था इट वॉज वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर मी. तो अभी भी मैं सोचती हूँ, आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव इन माई लाइफ. आई वॉन्ट टेल एवरीबडी कि कभी कुछ लूज होता है लाइफ में, डोंट थिंक दैट ओके यही मेरा आखिरी चीज चांस था. हमें भगवान ने बहुत अच्छी शक्ति दी है. गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद माइंड, यूज दैट माइंड एंड रन योर माइंड क्रिएटिवली इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिवली. यू नो हैव योर माइंड क्रिएटिव, वर्क क्रिएटिवली एंड थिंक व्हाट कैन यू डू. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सफर्ड इन COVID-19, वेदर इट्स हेल्थ, यस वेदर इट्स वेल्थ, एनीथिंग, दे हैव सफर्ड अ लॉट. बट यू हैव टू थिंक दैट इफ यू लॉस्ट द जॉब राइट, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस. लाइक सी इन कोविड में भी आजकल यस लोग खाना बना रहे हैं, खाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप घर से. आप जो है क्रेश खोल सकते हैं बच्चों के लिए, आप जो है अपने कुछ क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग बिकमिंग ऑनलाइन. अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, इफ यू हैव एनी नॉलेज लाइक आई हैव नॉलेज ऑफ मॉडलिंग एंड अदर थिंग, तो आई गिव माई कंटेस्टेंट दैट नॉलेज ऑनलाइन. तो आपको सब कुछ ऑनलाइन हो गया. इट इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट ऑल्सो दैट यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू ऑनलाइन. तो वो करिए, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक जॉब फॉर यू. राइट क्योंकि आजकल इवन जब से कोविड शुरू हुआ है देयर बीन लॉट ऑफ सुसाइडल केसेस, लॉट ऑफ डिप्रेशन दैट वी सी. इवन बड़े स्टार्स भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं. तो डेफिनेटली दे शुड एक्चुअली आई थिंक चेंज देयर ट्रैक एंड थिंक अ लिटिल और सिट डाउन एंड रिलैक्स अ लिटिल बिफोर दे कुड टेक अप दैट स्टेप, बिकॉज साइड सुसाइड इज से याद नॉट आया दी मुझे, एंड ऑफ इट. अभी रिसेंटली माय फ्रेंड शी वाज अ मॉडल, शी वाज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टेस्ट विद मी कॉल्ड मिस ट्रांसफर इंडिया. शी वाज फ्रॉम गुजरात एंड शी कमिटेड सुसाइड, एंड रीजन फॉर Yeah, I सुसाइड saw वाज that दैट, post. हां एंड रीजन फॉर सुसाइड वाज दैट शी वाज नॉट गेटिंग अटेंशन फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड. आई मीन इज दैट नॉट अ थिंग टू कम सुसाइड या. आई मीन ठीक नहीं है हम लोग का सबका रो रो फेस चल रहा है, सुसाइड तो करने का जरूरत नहीं है. बिकॉज देखिए सुसाइड करने से क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा आप मर जाओगे, मरने के बाद चीजें थोड़ा सॉल्व हो जाएंगी. जिंदा रहने में थोड़ा ज्यादा मजा है, तो यू शुड बी टुगेदर. ट्रू ट्रू. मैंने आपका वो पोस्ट देखा था कि आपके फ्रेंड के बारे में आपने डाला था. आई सॉ दैट पोस्ट के दैट शी कमिटेड सुसाइड एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल इन फैक्ट. एंड ऑल्सो आई वांटेड टू टेल Let यू me just नाजिद. give me 2 minutes. श्योर I just threw my dog from out of my room. श्योर श्योर Go, श्योर श्योर. go, 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 go. Yes, I'm back. यस तो मैं वही सोच रही थी नाथ जी के आपका जो लाइफ जर्नी आपने शेयर किया है इतने देर से, इट्स बीन एक्चुअली नॉट जस्ट इंस्पिरेशनल टू द ऑडियंस बट टू मी ऑल्सो
छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑल्सो अपसेट अस दीज डेज. यू नो, स्मॉल स्मॉल थिंग्स में वी वॉन्ट टू गिव अप आर लाइफ और गिव अप आर रिलेशनशिप्स और यू नो लॉट ऑफ थिंग्स. बट यू हैव बीन सो पॉजिटिव थ्रू आउट योर लाइफ. नॉट वंस आप कभी भी सोच सकती थी ओके माई फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग मी सो लेट मी लीव एवरी थिंग एंड जस्ट बी हाउ एवर दे वॉन्ट मी टू बी, या कुछ नहीं हो रहा है काम के फ्रंट में तो लेट मी जस्ट लीव दैट. यू हैव नेवर लेफ्ट एनी वेयर. दैट इज वॉट आई एक्चुअली यू नो लाइक अबाउट योर जर्नी. आप डटे रही के नो आई वॉन्ट टू डू दिस एंड डेफिनेटली आई विल डू दिस विथ और विदाउट एनी बडी. सो दैट इज वॉट आई एक्चुअली लव लव अबाउट यू. इट्स नॉट लाइक अबाउट यू, दैट इज वॉट आई एक्चुअली लव अबाउट यू. दैट्स अ वेरी थैंक यू बिग लेसन एक्चुअली एनी बडी शुड टेक. यू नो इफ यू वॉन्ट समथिंग बी डिटर्मिंड एंड सक्सीड इन योर लाइफ, ओनली देन यू विल गेट सक्सेस ऑल्सो. बस ऐसे ही बैठे रहने से सक्सेस नहीं आ जाती. यू हैव टू बी डिटर्मिंड एंड यू हैव टू डू दैट हार्ड वर्क एंड वर्क टूवर्ड्स इट. यू नो हाँ तो मिस कर्मा, नास जो यू नो यू आर सेइंग गॉड हैज यस दोज हु हैव हिमसेल्फ, तो आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है घर बैठे, ठीक है यू कैन वर्क टुवर्ड दैट यू नो लाइन। मैं आपको बताती हूँ कि ना मेरी लाइफ में जब मैं अपना मॉडलिंग स्टार्ट करियर कर रही थी एंड व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू पेजेंट, यू नो आई वाज लुकिंग फॉर गुरुज एंड आई वाज लुकिंग फॉर समबडी हु कैन टीच मी ऑल दैट यू नो। तो मेरे को ऑटोमेटिकली बिकॉज आई वॉज ऑन दैट पाथ एंड आई वॉज गिविंग दोज वाइब्स टू द यूनिवर्स, मुझे अपने आप ही मेरे गुरु मिलते गए यू नो एंड दे गेव मी फ्री स्पॉन्सरशिप, फ्री स्कॉलरशिप एंड आई वॉज ऑन स्कॉलरशिप एंड लर्न एवरीथिंग ऑन माई ओन। बट यू नो एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू एड इन हियर दैट वी मॉडल्स हैव टू रियली टेक अवर स्किन, आवर हेयर, एवरीथिंग एंड आई गॉट अ ब्रांड हु स्टार्टेड सपोर्टिंग मी फॉर दैट यू नो। तो वो करना है आपको, चलना है, यू हैव टू स्टार्ट। अभी वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट यू नो मिस्टर चोपड़ा हु जस्ट वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, बट ठीक है अभी हम यस बात कर रहे हैं, बट उन्होंने भी तो हार नहीं मानी ना। एशियन गेम में गए, ठीक है फिर ओलंपिक्स राइट में गए, फिर वो आज जाके गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो एंटायर वर्ल्ड एंड राइट लुकिंग एट देम, तो ऐसा ही दिन आपका भी एक दिन आएगा। एवरीबडी हैज देयर डे, ऐसा दिन आपका भी आएगा जब आपको लोग जो है हीरो समझेंगे या हीरोइन समझेंगे, रोल मॉडल समझेंगे। मेरा भी एक दिन में नहीं हुआ ये सब चीज, आई टुक मी 7 इयर्स टू रीच यस वेयर आई एम यस स्टार्टिंग फ्रॉम माय पेजेंटरी एंड इट टुक मी अबाउट 20-21 इयर्स टू रीच वेयर आई एम टुडे। I was a designer, I was a राइट male by birth, I had one journey, I had to end that journey, start a new journey altogether. It's not easy at all because when I was a यस designer, I was pretty famous, I had done a lot of shows then also and a lot of top models were my clients and मैं तब भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है अभी मेरा ये करियर खत्म होने जा रहा है, इट इज गोइंग टोटली इन एंड आई एम गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू थिंग, तो मैं कैसे अपना फेम अचीव करूंगी। बट आई वाज वेरी डिटरमिंड दैट मुझे करना है, तो ऑटोमेटिकली भगवान ने कौशल करते गए। ट्रू ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू. सो दैट हैज बीन एन इंस्पिरेशनल जर्नी एंड स्टिल यू आई नो फील ब्लेस्ड के आप हमारे शो में आए आज और इतने सारे लोगों को आप इंस्पायर कर सके. एंड डेफिनेटली वी विल कीप इन टच. आई वुड पर्सनली वुड लव टू कीप इन टच विद यू टू ओह डेफिनेटली नो श्योर मोर श्योर अबाउट श्योर यू. डेफिनेटली नो मोर अबाउट यू एंड फॉलो यू डेफिनेटली. श्योर और व्यूअर्स दिस इज एक्चुअली बीन दिस इज वॉट आई कॉल यू नो कम बैक एपिसोड दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड फॉर इन दैट मैटर्स बिकॉज फॉर द लास्ट टू वन वन एंड हाफ मंथ वी हैव नॉट बीन हैविंग एनी शोज एंड दिस हैज बीन अ कम बैक शो एंड दिस इज द ग्रैंड कम बैक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विद दिस शो इज कॉल्ड एन इंस्पिरेशनल टॉक शो एंड दिस इज बीन एन इंस्पायरिंग जर्नी दैट आई कुड फाइंड फॉर यू. So definitely, I think you all would have been, you know, inspired after hearing Ms. Nas Joshi. Definitely, her article I'm gonna write about her, and it will be published in my blog, that is inthatmatters.com. Definitely, you can go ahead and read about her also, and also watch her journey on the YouTube channel of In That Matters. एंड थैंक यू सो मच मिस नास के आप आए आज, आपने टाइम निकाला और हमसे आपके लाइफ जर्नी शेयर की. आई डेफिनेटली फील ब्लेस्ड एंड मच लव टू योर किड्स, दे आर वेरी वेरी Yes, it's स्वीट. always मच nice लव being. टू I यू एंड love being ऑल्सो with योर you. It किड्स. was really nice being with you. थैंक यू सो मच नाज एंड मच मच लव टू योर डॉटर्स एंड डेफिनेटली आई Thank थिंक you. दे वुड यू नो लिव अप टू योर नेम.
एंड आई ऑल्सो, मेरी दुआ है कि आपको जो भी हेल्थ इश्यूज है बहुत जल्द आप ठीक हो जाएं एंड यू कम बैक विद द बैंक. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ग्रेस द शो टुडे एंड थैंक व्यूअर्स. यू, इट वाज अ या प्लेजर. थैंक थैंक यू सो मच एंड थैंक यू यू, बाय व्यूअर्स. दिस बाय. एपिसोड विल स्ट्रीम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ इन दैट मैटर. सो डेफिनेटली आई वुड वॉन्ट यू टू गो अहेड एंड वॉच दैट. एंड हियर इज रशीदा घड़ी वाला. आई विश यू बेस्ट एंड योर लाइफ जर्नी गेट्स इजियर एज यू गो अबाउट ऑल योर एडवेंचर्स. आई मीन थैंक सो यू, दैट्स द थैंक यू, मैसेज. That's the थैंक message, यू, and so many people have liked the episode also. Thank you so थैंक much, यू. guys. And definitely, I would want you to go ahead and visit the Milap donation drive that Ms. Nas has created, and may make your donations generously for the noble cause that she's working. And Ms. Nas, before we wind up, I would want to ask you के आप जब देखती हैं हाउ इज दी ट्रांस कम्युनिटी करंटली इन इंडिया. उसको कुछ बदलना चाहिए या हाउ आर पीपल, आर दे एक्सेप्टिंग इनफ, हाउ इज दी सोसाइटी एक्चुअली ट्रीटिंग. दैट पीपल वुड बी आर माई नॉट एक्सेप्टिंग ट्रांस कम्युनिटी सो वेल. उन लोगों को ट्रांस वुमेन है तो दे वांट दैट ट्रांस वुमेन टू लुक लाइक कंप्लीट वुमेन, जो कि कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे कांट स्पेंड सो मच ऑफ ऑन हार्मोन और इन सर्जरी. आई थिंक हम लोगों को थोड़ा एक्सेप्टेबल होना चाहिए बिकॉज सी, अगर ट्रांस वुमेन है डेफिनेटली दे आर नॉट मैन, दे आर नॉट वुमेन, बट दे हैव चेंज द सेक्स. एंड उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं. यू नो, यू कैन नॉट, समटाइम्स यू लुक लाइक अ वुमन, समटाइम्स यू कांट लुक लाइक अ वुमन. तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इट्स नॉट आवर फॉल्ट. सो प्लीज एक्सेप्ट द वे वी आर, नंबर वन. नंबर टू, डोंट हेट अस, ट्रीट अस लाइक वी आर वन सोसाइटी. थर्ड, यस, ट्रांस कम्युनिटी इज राइजिंग टुडे. वी हैव अ फर्स्ट ट्रांस डॉक्टर, वी हैव फर्स्ट ट्रांस जज, वी हैव फर्स्ट ट्रांस लॉयर, वी हैव फर्स्ट ट्रांस स्कूल प्रिंसिपल, वी हैव फर्स्ट ट्रांस, यू नो, व्हाट यू कॉल दैट, एक्ट्रेसेस, वी हैव फर्स्ट ट्रांस न्यूज एंकर. So yes, definitely there are so many things happening in front of you today. There's India's first international trans beauty queen who's sitting here, the only trans beauty queen who's got 7 international crowns with her. So definitely things are changing, but then if we need to change more, I think it will take time. Any movement takes time. Yes, definitely. So change is happening. It's not that change is not happening. People are accepting, but the acceptance is a little slow. That Yes. is there. तो एक्सेप्टेंस थोड़ा स्लो है और थोड़ा वो इनडिफरेंट है बट हो आज भी जाएगा. लोग देखते हैं. यस, सो एक्सेप्टेंस हैज टू बी देयर बिकॉज दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर आल्सो वेरी मच केपेबल लाइक यू एंड मी और एनीबडी एल्स इन द सोसाइटी. सो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस हैज टू बी देयर एंड देर हैज टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑल लाइव्स मैटर. यस. And thank you so much, Nas ji. And before we wind up, any guest who comes on the show, we ask them, वो आके आपके हॉबीज क्या हैं, क्या आप आपके फ्री टाइम में क्या करते हैं. तो मुझे भी जानना है कि यू हैव बीन वेरी बिजी एज अ मदर, एज अ पेजेंट डायरेक्टर और एज अ मॉडल. आपको फ्री टाइम मिलता भी है कि अगर मिलता है तो आप क्या करते हो? फ्री टाइम में आई लव यूजिंग स्टार मेकर ऐप. आई सिंग ऑन दैट स्टार मेकर ऐप एंड आई प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स. आई डू गार्डनिंग, आई लव गार्डनिंग. आई कीप एडिंग न्यू स्टफ, आई लव माई पेट्स, आई स्पेंड टाइम माई पेट्स. तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट जो भी मिलता है आई ट्राई टू टेक आउट टाइम टू रिफ्रेश माई माइंड, टू रिफ्रेश माई लाइफ. तो वो करना जरूरी है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वॉट यूर डूइंग एवरी डे. तो जस्ट लाइक एज यू सेड दैट यू लव सिंगिंग, वुड यू लव टू सिंग फॉर योर आर ऑडियंस टुडे एनी ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग? बस कुछ लाइंस अगर ओके आप गा ओके, देंगे तो. मैं एक गाना गाती हूँ जो कि मैंने CNN IBM पे भी गाया था, वही गाना गाती हूँ, श्योर. विच इज ऑल्सो अगेन इंस्पिरेशनल. इट्स फ्रॉम दिस मूवी कॉल्ड वक्त. ओके, एंड द सॉन्ग गोज, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है. सो दैट मींस लिव इन द प्रेजेंट एंड डोंट लुक एट द पास्ट एंड डोंट गो इन द फ्यूचर.
That's wonderful. That's wonderful. आपने हिचकिचाया नहीं, because usually people say no, नहीं गाती हूँ, then I'll have to convince them to sing and all that. You were very supportive, and that's what I love about, you know, the entire thing that happened right now. You're very supportive. मैंने जैसे ही कहा आपने बका ओके, Why not you're very यार, come supportive, on, I am not, right? अभी Why तो not? दिल चला गया, अभी I'm not scared of anybody, अभी तो I am bold enough. Right. अपने लाइफ में इतना कुछ देखा है तो डेफिनेटली दिस इज नथिंग. यू नो, यूजुअली पीपल से नो आई वोंट सिंग, थोड़ा शर्माते हैं, दे से नो और No, आई विल no, सिंग लेटर एंड थिंग्स लाइक दैट. यू वेरी सपोर्टिव एंड दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच no. नास जी के आप आज आई हमारे शो में, थैंक यू इतना सो मच, कुछ आपके लाइफ के बारे में आपने शेयर किया. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग ऑडियंस. बाय बाय. थैंक यू बाय. आई थिंक माई डॉटर इज देयर ऑन द थिंग, आई जस्ट नीड टू बी